हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये 2018 का नेट JRF का विजुअल आर्ट्स का पेपर है, सेकंड पेपर है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन बुकलेट 100 एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 200। ठीक है, तो यहाँ पे है आपके क्वेश्चन पेपर का ये फर्स्ट पेपर जो मैं आप लोग को शो कर रही हूँ, जिसमें इसमें लिखा है केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें, किसी प्रकार का संगणक कैलकुलेटर या लॉग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है, गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, यदि अंग्रेजी या हिंदी विवरण में कोई विसंगति हो तो अंग्रेजी विवरण अंतिम माना जाता है। आप कभी भी क्वेश्चन पढ़िए तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लिया करिए, जिससे कि इंग्लिश वाले को मान्यता दी जाती है, क्योंकि इंग्लिश वाला लगभग सही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मैं हर बार बोलती हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से। बहुत लोग अनसब्सक्राइब किए हुए ही देखते रहते हैं वीडियोस को, मैंने चेक किया है। तो आपको ये चैनल कभी ना कभी कोई ना कोई एजुकेशनल वीडियो, इंफॉर्मेशनल वीडियो लाती रहती हूँ मैं, तो हमेशा आपको इससे हेल्प रहेगी, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम लेटेस्ट पेपर सॉल्व करा दीजिए, इसलिए मैंने 2018 के सेकेंड पेपर को सॉल्व कराना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं अभी 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। 100 क्वेश्चन का ये पेपर है, बट अभी 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे 1 आवर से ज़्यादा लग जाएगा, और 1 आवर का वीडियो अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं 50-50 करके 2 पार्ट्स में इसको करूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दूँगी, और मैं इसको एक प्लेलिस्ट में डाल दूँगी जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि आप पूरी वीडियो सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के ऑडियोग्राफों को माना जाता है। राजा रवि वर्मा के ऑडियोग्राफों को देखियो, सबसे पहले क्वेश्चन जो नेट JRF का फेवरेट क्वेश्चन है, रवि वर्मा से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। तो राजा रवि वर्मा के ऑडियोग्राफ को क्या माना जाता है? अभिव्यक्ति परक शैली, बाजार शैली, यूरोपीय शैली। तो ये तीनों ही सही है, उपयुक्त सभी सही हैं, इसका राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रियाएं कौन सी हैं? प्लेनोग्राफी, सेरोग्राफी, ये प्लेन होती है, लिथोग्राफी वुड कट, एक्वाटिंट ड्राई पॉइंट भी प्लेन सरफेस पे होता है, और उससे भी कोई रिलीफ का कोई लुक नहीं आता है। लिथोग्राफी, ड्राई पॉइंट और वुड कट, तो मेरे ख्याल से आपका ये सेकंड होगा, लिथोग्राफी और वुड कट हो जाएगा। ड्राई पॉइंट वाला 4th इसलिए नहीं होगा कि ड्राई पॉइंट भी रिलीफ जैसा लुक नहीं देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेयर के रूप में भी जाना जाता है। ब्रेयर के रूप में किसको जाना जाता है? स्क्वीजी के रूप में जाना जाता है। कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? कंस्ट्रक्शन जे जो है वो जगदीश डे की रचना है। ठीक है, छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसके द्वारा किया गया? छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन, राइट आंसर बिशन कुमार भारद्वाज के द्वारा किया गया। राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को ऑलियोग्राफ्स कहा जाता है, ऑलियोग्राफ्स। ठीक है, ऑलियोग्राफ्स में 4-5 कलर्स को आप ग्राफ कर सकते हैं, इसलिए उनके चित्रों में ऑलियोग्राफ्स का इस्तेमाल होता था। वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? राइट आंसर इज 2, पोटेशियम ट्राईक्रोमेट के द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाया जाता है। भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ था? लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ सन 1825 से 1830 में हुआ था। राइट आंसर इज 1, 1825 से 1830। द रॉयल ऑफ एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर इज 1, सर जेशुआ रेनॉल्ड्स। फ्रेंड्स, ये हिंदी में है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे इंग्लिश में, अगर बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं इंग्लिश के लिए, तो मैं फिर एक वीडियो इंग्लिश का भी बना दूंगी, बट अगर
कुछ ही लोग इंग्लिश के वीडियोस देखेंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं इतना मेहनत नहीं करूँगी। तो आप एक बार अगर आपको इंग्लिश में देखना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे मुझे लगे कि नहीं ज़्यादा वोटिंग आ रही है इंग्लिश की, तो मैं इंग्लिश के लिए भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बना तो देती हूँ बट इंग्लिश के व्यूज़ और वॉच टाइम्स ज़्यादा नहीं होते, इस वजह से मुझे सेम मेहनत करनी पड़ेगी, इसी वजह से मैं इंग्लिश में नहीं बनाती, नहीं तो मैं इंग्लिश में भी बना दिया करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड पुस्तक के लेखक है काजीमीर मॉलविच। ठीक है, फोर्थ है इसका काजीमीर मॉलविच। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कांगड़ा पेंटिंग ऑफ लव के नामक पुस्तक के लेखक M.S. रंधावा हैं। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? अंकुरण, राइट आंसर इज S.H. रजा, टू हो जाएगा S.H. रजा। किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया? राइट आंसर इज टू, कोटा शैली में आखेट वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वर्ष, राइट आंसर इज टू, 1930 ईस्वी से पेरिस में हुई थी। ठीक है, उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985-86 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। राइट आंसर इज टू, लॉस एंजल्स। आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो थी वो वॉल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस, आंसर नंबर टू हो जाएगा, के द्वारा आयोजित की गई थी, वॉल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस। क्वेश्चन नंबर 17, सेरिफ आकार के साथ टाइप फेस डिज़ाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द हैं? तो राइट आंसर इज वन, रोमन। एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिज़ाइन के द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर इज रॉब जैन ऑफ के द्वारा तैयार किया गया था। उस टाइपोग्राफर का नाम बताएं जिसने भर्सना की लेटर्स आर नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स, तो राइट आंसर इज थर्ड, एरिक गिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रयोग किया? राइट आंसर इज वन, मॉन रे ने किया था सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीकी के साथ प्रयोग किया था। एक पार्ट में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है का विस्तार नीचे के टाइप की पंक्तियों में होता है को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ड्रॉप कैप। पॉलिस स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ है? राइट आंसर इज फर्स्ट, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी? राइट आंसर इज 23 का 3 हो जाएगा, लाइफ। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका थी लाइफ। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है? राइट आंसर इज टू, श्वास कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 25, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक के लेखक ज़रूर आता है, तीन पुस्तक के लेखक आपके TGT PGT के UP TGT PGT में आ जाता है और इसमें अभी तक दो आ चुके हैं, तो पुस्तक और उनके लेखक के नाम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, जो कि आप मेरे चैनल पे ही जाके देख लीजिए, उसमें मैंने कम से कम 100 पुस्तक और रचनाकारों के नाम लिख के बताए हैं। ठीक है, निम्न मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर प्रस्तुत वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो राइट आंसर इज 3, लिंगराज मंदिर। 27, हुमायूं का के मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार मिरक मिर्जा ग्यास था। क्वेश्चन नंबर 28, यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और वीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इज थर्ड,
जियोर्जियो शिरिको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कला आलोचक का नाम बताएं जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की थी। सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में क्लाइव वेल ने बात की थी। ताल मान किससे संबंधित है? ताल और मान प्रतिमा विज्ञान से संबंधित है। फर्स्ट हो जाएगा प्रतिमा विज्ञान। 31 नैन सुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मुख्य रूप से राइट आंसर इज फर्स्ट बसोहली। निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामिति एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर इज 1 काजीमीर मैलेविच। ये ज्यामिति एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाने जाते हैं, काजीमीर मैलेविच। अगस्त रोंदा ने मुख्य रूप से के साथ काम किया, अगस्त रोंदा ने मुख्य रूप से क्ले के साथ काम किया है, ठीक है। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर, वाइट मेटल। तो राइट आंसर इज थर्ड कॉपर। कॉपर इज अ सेल्फ मेट, मीन्स इसमें कोई भी धातु को मिक्स नहीं किया जाता। ब्रॉन्ज और ब्रास दोनों मिक्स धातुओं से बनता है, वाइट मेटल में भी मिक्स किया जाता है। इन्वेस्टमेंट मोड से संबंधित है, इन्वेस्टमेंट मोड किससे संबंधित है? ब्रॉन्ज कास्टिंग से। राइट आंसर इज 2 ब्रॉन्ज कास्टिंग्स। 36 प्रसिद्ध एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार कौन था? एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा का मूर्तिकार राइट आंसर इज 2 बर्निनी था, बर्निनी। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष था। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का अध्यक्ष इसमें से कौन है? धनराज भगत, चिंतामणि कर, बी एस स्कॉट, शंखु चौधरी। तो राइट आंसर इज 4 शंखु चौधरी। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली का की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। तो यक्ष यक्षी के लिए राम किंकर बैज को नियुक्त किया गया था। यक्ष यक्षी राम किंकर बैज ने ही बनाया था जो रिजर्व बैंक के सामने है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, बिस्किट फायरिंग से संबंधित है, बिस्किट फायरिंग से संबंधित है सिरामिक्स, ठीक है। सिरामिक्स बिस्किट फायरिंग से संबंधित है। मैलेट, मैलेट से संबंधित है, मैलेट किससे संबंधित है? वुड कार्विंग से, वुड कार्विंग। निम्नलिखित को सुमेलित करें, एपे एपोकेलिप्स, द डांस ऑफ डेथ, लॉट लॉस कैप्रिकोस, थ्री क्रॉसेस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 41 का फर्स्ट, एपोकेलिप्स रेम्ब्रांट, द डांस ऑफ डेथ एल्ब्रेट ड्यूरर, लॉस कैप्रिकोस हैंस होलबीन, एंड थ्री क्रॉसेस फ्रांसिस्को गोया। ये याद कर लेना होगा, एपोकेलिप्स रेम्ब्रांट, द डांस ऑफ डेथ एल्ब्रेट ड्यूरर, लॉस क्रैपिकोस हैंस होलबीन, थ्री क्रॉसेस फ्रांसिस्को गोया। ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी जो कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा इसका। 43 निम्नलिखित को सुमेलित करें, डिगिंग, कटिंग, कार्विंग, स्क्रैचिंग, ब्लेड, एनग्रेवर, नीडल, गूज। अब आपको टूल्स से रिलेट करना है, तो डिगिंग का हो जाएगा, डिगिंग किससे करते हैं? एनग्रेवर, ठीक है। कटिंग, कटिंग किससे करते हैं? ब्लेड से करते हैं। कार्विंग गूंज से करते हैं, और स्क्रैचिंग नीडल से करते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित के आविष्कारों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित के आविष्कारों को सुमेलित करने के लिए हमें 105 एडी, 220 एडी, 1512 एडी और 1904 एडी ऑफसेट वुड ब्लॉक कागज एचिंग, ये आपको इनके समय के बारे में बता रहा है। तो 105 एडी में हुआ था। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 है। 105 एडी में कागज का आविष्कार हुआ था, 220 में ऑफसेट का आविष्कार हुआ था, 1512 में वुड ब्लॉक हुआ था, 1904 एडी में कन्फ्यूज़न हो रही है कुछ, एक मिनट, 43 का 2 है, ठीक है। 105 एडी कागज, 220 एडी वुड ब्लॉक, 1512 एडी एचिंग और 1904 एडी ऑफसेट।
ये याद कर लेना होगा, सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। प्लेनोग्राफी, मैट्रिक्स अपने मूल सतह को बनाए रखता है। स्टेंसिल, मेम्ब्रेन के माध्यम से छपाई सामग्री दबाई जाती है। कोलोग्राफी, छापा सतह पर टेक्सचर सामग्री चिपकाई जाती है। वुड कट इसका थर्ड, ठप्पा छपाई की पद्धति को वुड कट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित चित्रकारों को संबंधित से सुमेलित कीजिए। कंवल कृष्ण, हिम्मत शाह, अनुपम सूद, मोहम्मद मोहन सामंत। तो कंवल कृष्ण जो थे वो दिल्ली शिल्पी चक्र से थे, हिम्मत शाह ग्रुप 1890 से थे, अनुपम सूद ग्रुप 8 से थी और मोहन सामंत थे बॉम्बे ग्रुप से थे। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। कंवल कृष्ण किससे थे? दिल्ली शिल्पी चक्र से, हिम्मत शाह ग्रुप 1890, अनुपम सूद ग्रुप 8, मोहन सामंत बॉम्बे ग्रुप से थे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन है, स्पीकिंग ट्री बर्निंग बिगिनिंग ऑफ साउंड, सिटी स्क्वायर, आर्मरी शो। तो ये जियोकोमा वेत्ति, आर्थर बी डेविस, पीटी रेड्डी, रिचर्ड लेना है, ये इनके वर्क से रिलेटेड करना है। राइट आंसर इज इसका 2 हो जाएगा। स्पीकिंग ट्री है रिचर्ड लेनॉय की, बिगिनिंग ऑफ साउंड पीटी रेड्डी, सिटी स्क्वायर जियोकोमेति और आर्मरी शो आर्थर बी डेविस से रिलेटेड है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, टेंपल ऑफ अंगोरवाट, टेंपल ऑफ हेरावन, टेंपल ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जिगुरात। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4th, टेंपल ऑफ अंगोरवाट खमेर कला, टेंपल ऑफ हेरावन यूनानी कला, टेंपल ऑफ इंस्क्रिप्शंस माया कला, जिगुरात एलामी कला। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित चित्रकारों को चित्र से सुमेलित करें। अंजलि इला मेनन, एट्री, अपर्णा कौर, गोगी सरोजपाल, अर्पिता सिंह। म्यूटेशन, एटर्नल बर्ड, थ्रेटेड सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो थ्रेटेड सिटी जो थी वो अपर्णा कौर की थी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, क्योंकि अपर्णा कौर सेकंड में बी में 4 आ रहा है। तो अंजलि इला मेनन म्यूटेशन है, अपर्णा कौर थ्रेटेड सिटी है, गोगी सरोजपाल इटर्नल बर्ड है एंड अर्पिता सिंह अ ट्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49, सर्वोत्कृष्ट कॉर्पोरेट मार्क्स को उनके डिजाइनरों के साथ सुमेलित करें। सर्वोत्कृष्ट कॉर्पोरेट मार्क्स को उनके डिजाइनर नाइक, शुवोक्स, शूश, डाइश बैंक, परमाणु निरस्त्रीकरण, एप्पल कंप्यूटर। अब नाम से जोड़ना है इसको, तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। नाइक, स्क्विश, कैरोलिन डेविडसन, डॉयस बैंक, एंटन स्टैन कोवस्की, परमाणु निरस्त्रीकरण जेराल्ड हॉल्टन एंड एप्पल कंप्यूटर रॉब चेनाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, फोटोग्राफी के महत्वपूर्ण आविष्कारों को उनके आविष्कारकर्ताओं से सुमेलित करें। फोटोग्राफी के महत्वपूर्ण आविष्कारों को उनके आविष्कारकर्ताओं से सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, कैमरा ऑब्स्क्यूरा, ये हो गया पहला, जोसेफ नीसे फोन नीएप्से। ठीक है, डैगोरो टाइप लुई डैगरे, कैलो टाइप डब्ल्यू एच फॉक्स टेलबॉट एंड फ्लेक्जिबल रोल फिल्म। राइट आंसर इज जॉर्ज ईस्टमैन। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 50 क्वेश्चंस जो
2018 के नेट जेआरएफ के विजुअल आर्ट्स का ये पेपर था। अभी इसमें 100 क्वेश्चंस और हैं, ये पेपर बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसका जस्ट सेकंड वीडियो और लाऊंगी। मेरे जो वीडियो से जुड़े रहिए और मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइएगा जिसमें आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको इंग्लिश में भी ये पेपर चाहिए तो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये सेकेंड पार्ट है 2018 के नेट जेआरएफ का विजुअल आर्ट्स का। तो 50 क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में प्रिपरेशन करा दिया था, सॉल्व करा दिया था क्वेश्चन। अभी 51 to 100 तक अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई और भी चीज़ें आपको चाहिए होगी गाइडेंस के लिए तो मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, पोस्टरों को उनके डिज़ाइनरों से सुमेलित करें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट, जिसमें है 1954 पिरेली पोस्टर, ये है टेस्टा आर्मांडो। 1896 सैलेन दी सेंट एक्स हिविशे पोस्टर, ये हो गया आपका फर्स्ट अल्फोंस मुख। थर्ड है सी 1981 एशियन परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूट पोस्टर्स, तो इसका हो जाएगा इको टोनाका। और 1923 टाइटल पेज ऑफ बाव हाउस पोस्टर्स, तो एल मोहोली नेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके यूजीसी नेट के पेपर में, तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और आपको ऐड करने होते हैं। तो आप ऐड फटाफट करने के लिए आपको इसमें अगर एक दो भी आपको याद है तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे टाइटल पेज ऑफ बाउहाउस आपका एल मोहोली नेगी हो गया, पिरेली पोस्टर्स आपका सेकंड हो गया, और सेलिन दी सेंट एफ्स वीवेशन पोस्टर्स, ये हो गया आपका अल्फोंसो मुख। तो ये आपका थर्ड का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाना है। काफ़ी टफ टाइप का ही क्वेश्चन आता है पेपर। निम्नलिखित को सुमेलित करें, रबर ब्लैंकेट, चार्जर कपल डिवाइस, डेप्थ ऑफ फील्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर ब्लैंकेट, ऑफसेट प्रिंटिंग, चार्जर कपल डिवाइस स्कैनर, डेप्थ ऑफ फील्ड फोटोग्राफी, और गिलोटिन ट्रिमर हो गया आपका पोस्टर प्रेस। तो इस तरीके से आप पेपर पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित करें, मीनिंग ऑफ आर्ट, डांस ऑफ शिव, ये क्वेश्चन पिछले पेपर में आ चुका है, तो अगर आप 10 ईयर का पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा ये सॉल्व करना, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ आर्ट है आपका हर्बर्ट रीड्स का, फिर हो गया आपका डांस ऑफ शिवा, आनंद कुमार स्वामी, आर्ट एंड एक्सपीरियंस जॉन डेवी, फीलिंग एंड फॉर्म सुसेन लैंगर, ये हो गया आपका ऐसे क्वेश्चन नंबर टू, आंसर नंबर टू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित को सुमेलित करें, रीम्स कैथेड्रल हो जाएगा आपका फर्स्ट का, रीम्स कैथेड्रल, ये जैसे ही मैं इसको टच कर रही हूँ ये एक क्वेश्चन चला गया था इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसमें मुझे। तो रीम कैथेड्रल जो है आपका गोथिक हो जाएगा, इसका गोथिक, फिर कोसिलियम फर्स्ट रोम, स्कूल ऑफ एथेंस रफाइल,
और स्टोन ब्रेकर्स गुस्ताव कुर्वे। ठीक है, इस तरीके से राइट आंसर इसका वन हो गया। मैच द फॉलोइंग 55 क्वेश्चन नंबर। राइट आंसर इज इंग्लिश में है ये मैनरिज्म, मैनरिज्म एब्स्ट्रैक्ट, एक सेकेंड, मैनरिज्म, सॉरी थोड़ा लेट हो जा रहा है इसकी वजह से, मैनरिज्म हो गया आपका थर्ड, फ्रैंक स्ट्रेली, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग विस्ली कैंडिस्की, दादा मार्सेल डुशम, सरियलिज्म हो गया रेन मैग्रिट। ठीक है, 55 का थर्ड सही है। 56, निम्नलिखित को सुमेलित करें, गोपुरम स्फुमातो पाइलॉन ट्राइफोल आर्क। ठीक है, इसका राइट आंसर इज गोपुरम का मीनाक्षी मंदिर, स्फुमातो चित्रकला तकनीकी, पाइलॉन अटाला मस्जिद, ट्राइफोल आर्क मार्तंड सुरपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, गुप्तकाल, गुप्तकाल सारनाथ 5वीं सदी खड़ा बुद्ध। ठीक है, कुषाण काल कटरा मथुरा में प्राप्त बैठा हुआ बुद्ध, शुंग काल पुष्यमित्र, मौर्य काल अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित को सुमेलित करें, सिंधु घाटी की सभ्यता, गुप्त कला, खजुराहो की मूर्ति, मौर्यकालीन मूर्तिकला। तो ये हो जाएगा आपका सिंधुकालीन सभ्यता हो गया आपका नर्तकी, गुप्त कला दशावतार देवगढ़, खजुराहो का मंदिर कंदरिया महादेव, और मौर्यकालीन मूर्ति दीदारगंज यक्षी। तो इसका राइट आंसर वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित को सुमेलित करें, दार्शनिक कंटिन्यूटी इन स्पेस पोर्ट्रेट ऑफ मोडे मोई सेले पोगानी और क्लाउड गेट। तो राइट आंसर इसका फोर हो जाएगा। दार्शनिक हो गए रोडिन, कंटिन्यूटी इन स्पेस उम्बर्तो बोशियोनो, पोर्ट्रेट ऑफ मोडे मोई सेले पोगानी ब्रोकुसी, क्लाउड गेट अनिश कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित को सुमेलित करें, फ्लेक्जिबल मोल्ड, फ्लेक्जिबल मोल्ड मल्टीपर्ट कास्टिंग के लिए, स्प्रोइंग मूवमेंट ऑफ मेटल, बर्न आउट रिमूवल ऑफ वैक्स, वेस्ट मोल्ड मोल्डिंग फ्रॉम प्लास्टिक मीडियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वन हो जाएगा, जो कि आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन यूजीसी नेट में अक्सर आते हैं, आपको सही कालानुक्रम बताने वाला क्वेश्चन ये आ गया। छापा चित्रण में निम्नलिखित कृतियों को सही कालानुक्रम चुनिए, स्लीप ऑफ रीजन प्रॉडी गर्लसन, स्क्रीम जॉन आवरी एट जर्डिन दी पेरिस। तो ये पेंटिंग्स है, ये किसकी किसकी पेंटिंग्स है उसके हिसाब से आपको सही कालानुक्रम में लगाना है। तो इसका राइट आंसर फोर हो जाएगा, प्रॉडी गर्लसन, स्लीप ऑफ रीजन, जॉन आवरी एट जर्डिन, जार्डिन दी पेरिस, स्क्रीन। छापा चित्रण की प्रमुख मशीन का सही क्रम चुनिए, राइट आंसर इज टू है इसमें, पहले ब्लॉक प्रिंटिंग मशीन, ईचिंग प्रेसिंग प्रेस मशीन, फिर लिथोग्राफी मशीन, फिर राउटिंग मशीन। जिस तरीके से चीज़ों को मॉडर्निटी आने लगी, वैसे वैसे चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से बढ़ती चली गई। क्वेश्चन नंबर 63, प्रसिद्ध छापा चित्रकार के उल्टे कालानुक्रम चुनिए, छापा चित्रकार को उल्टे कालानुक्रम में चुनना है, मीन्स बड़े से छोटे। तो विलियम, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया विलियम होगार्थ, रेम्ब्रांड, ओट्टा वियो लियोनी, मिशाएल वॉल में वॉल गेमुट। निम्नलिखित को छापा चित्रण की सही सामग्री के रूप में कास्ट के प्रयोग को उसके विकास में क्रम में लगाएं। ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है। इम्प्रेशन ऑफ, इसका राइट आंसर सेकंड है, इम्प्रेशन ऑफ नेचुरल टेक्सचर ऑफ वुड,
वुड स्क्रैचिंग, वुड कट, वुड एनग्रेविंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, राइट आंसर इसका 3 हो गया है। चित्रकारों के आरोही क्रम में अवस्थित करें, आरोही मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, तो जतिन दास, विवान सुंदरम, अनुपम सू, जय झरोटिया, तो ये हो गया आरोही क्रम में। निम्नलिखित चित्रों को सही कालानुक्रम चुने, राइट आंसर इज 3rd, वर्जिमा रॉक्स, द टेम्पटेंस, द स्कूल ऑफ एथेंस, लास्ट जजमेंट, माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित चित्रों का उनके सही कालानुक्रम के हिसाब से क्रमबद्ध करना है, इसको भी इसका भी राइट आंसर 3rd हो गया। कृष्णा ईटिंग द फायर, ए रिवर कैरीज इट्स पास्ट, इंटरैक्शन और स्पीक आउट। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कलाकारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इसका राइट आंसर 3 है। एरिक हेकेल, मार्क शागाल, जॉर्जियो शिरिको, फ्रांच क्लाइन। क्वेश्चन नंबर 69, मल्टी लिंगुअल सॉफ्टवेयर को उनके आने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्वार्क एक्सप्रेस, एडोब फोटोशॉप, एडोब इंडिजियन, एडोब क्रिएटिव क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 70, अग्रणी समाचार पत्रों को उनकी बिक्री के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, राइट आंसर इज 1st, दैनिक जागरण कानपुर, दैनिक भास्कर भोपाल, हिंदुस्तान नई दिल्ली, द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई। बिक्री के क्रम में मीन्स कौन सा सबसे ज़्यादा बिकता है और कौन सा उससे कम। निम्नलिखित को उनके टर्नओवर के क्रम में व्यवस्थित करें, राइट आंसर इज 2, WPP ग्रुप लंदन, ओमनीकॉम ग्रुप न्यूयॉर्क, पब्लिसिस ग्रुप पेरिस, डेंटसू टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित सबसे प्रतिभाशाली सर्वकालिक फोटोग्राफिक चित्रों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, राइट आंसर इज 2, VJ डे, किस इन, टाइम्स स्क्वायर, द बर्निंग मॉक, द टेरर ऑफ वॉर, स्टार्विंग चाइल्ड एंड वल्चर। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से गोथिक कैथेड्रल को सही कालक्रम चुनें, गोथिक कैथेड्रल का सही कालक्रम है इसका 2nd है, सेंट डेनिस, शाख्त्र, राइम्स, नास्त्रे दाम। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से पिकासो की पेंटिंग का सही कालक्रम चुनिए, ब्लू न्यूड, लार्ज वेदर, एक्रोबैट, ग्वेरनिका। क्वेश्चन नंबर 75, खजुराहो का मंदिर की मंदिरों का सही कालक्रम चुनिए, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 योगिनी, लक्ष्मण, पार्श्वनाथ, कंदरिया, महादेव। 76, निम्नलिखित भारतीय इस्लामी स्मारकों का सही कालक्रम चुनिए, राइट आंसर इज 1st, कुतुब मीनार, जहाज महल, ताजमहल, गोल गुंबज। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित मूर्तियों को सही कालक्रम चुने, द थिंकर इसका 4 हो जाएगा, द थिंकर, सांथाल फैमिली, मामन, क्लाउड गेट। क्वेश्चन नंबर 78, ब्रोंज कास्टिंग का सही क्रम चुनिए, राइट आंसर इज इसका राइट आंसर 3rd हो जाएगा, पोरिंग, स्प्रूइंग एंड वेंटरिंग, अरेंजमेंट्स, बर्न आउट, वैक्सिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित चित्रकारों को सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें, राइट आंसर इज 4, राम किंकर वैद, धनराज भगत, राघव कनेरिया, रजनीकांत पंचाल। निम्नलिखित धातुओं को उनके नीचे से ऊपर की ओर गलनात्मक ताप क्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए, राइट आंसर इज 1st, शीशा, जिंक, मैग्नीशियम, चांदी। क्वेश्चन नंबर 81, अभिकथन और तर्क पर आधारित ये क्वेश्चन है, अन्य छापा चित्रण प्रक्रियाओं के सापेक्ष लिथोग्राफी में अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि तर्क है उसका, क्योंकि चूना पत्थर का सहज ग्रीस के लिए जल प्रतिरोधक और असंवेदी होता है, तो राइट आंसर इज 1st, इसका है ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 82, विस्कोसिटी कलर प्रिंटिंग एक ही प्लेट से अनेक रंगों के प्रिंटों के निर्माण को सुगम करता है,
क्वेश्चन नंबर 82 का तर्क देखिए, क्योंकि इस प्रकार में छापा लेने के लिए भारी रोलर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज फर्स्ट, ए सही है किंतु आर गलत है। छापा चित्रकला निर्माण का मूल ग्राफिक कला में है। छापा चित्रकला निर्माण का मूल ग्राफिक कला में है, अभिकथन है, क्योंकि छापा चित्रकला पृथक होकर दृश्य अभिव्यक्ति की दिशा में बढ़ा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 84, एक प्रिंटिंग प्रेस में प्लान 10 के ऊपर छपाई से पूर्व ऊनी नमदा का फलक रखा जाता है, क्योंकि बेहतर छाप के लिए नमदा कागज हेतु कुशन का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और आर दोनों सही है। जब नमी के रूप में पेपर मिलता है तो वो सही में थोड़ा सा ग्राफिक आर्ट के लिए सही होता है प्रिंट लेने में। 85, मंजीत बाबा के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु और प्रतीकों का समन्वय है, क्योंकि समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतिमा विज्ञान व प्रतिबिंब है। इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, क्योंकि सही है ए परंतु आर उसका तर्क सही नहीं है। 86, मनुष्य अपने नैसर्गिक मनोभावों को बाह्य जगत पर थोपता है। तर्क, क्योंकि मनुष्य की अतृप्त इच्छाएं उसे सौंदर्य परक सृजन की दिशा में ले जाती है। राइट आंसर इज फोर, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 87, संग्रहालय की संकल्पना दुर्लभ और सांस्कृतिक स्वरूप सारूप्यता की वस्तुओं का भंडार और प्रदर्शन करना है, ये सही है। तर्क आर, किंतु इन दुर्लभ वस्तुओं पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव से संग्रहालय के महत्व को गौण कर दिया है। राइट आंसर इज फोर, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, जे स्वामीनाथन की कला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि लोक कलाएं स्पष्ट रेखाओं और मूल रंगों का समन्वय है। तो राइट आंसर इज टू, ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 89, फोटोग्राफी के आविष्कार ने कला में क्रांति ला दी। अर्नस्ट ग्रॉम्ब्रेक ने फोटोग्राफी को आधुनिक कला के विकास के जनक के रूप में देखा था। तो राइट आंसर इज टू, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 90, किसी भी कॉरपोरेट के प्रसूप प्रतीक किसी भी भाषा में उसकी बात कहता है। तर्क, परिवर्तनशील परिभाषाओं के संदर्भ में मार्क उपयोगी कैल ऑल कैच ऑल सर्वग्राही के रूप में लोकप्रिय हो गया। राइट आंसर इज थर्ड, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए के लिए तर्क नहीं है। ये तर्क नहीं, दोनों अलग अलग अपनी विचारधारा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, ब्रॉडरिक के परिष्कृत दृष्टिकोण ने एप्पल को 21वीं सदी के घर घर में ज्ञात नाम के रूप में स्थापित कर दिया, क्योंकि बाइबिल से सर आइजैक न्यूटन और उससे भी आगे विनम्र एप्पल ने डिज़ाइन संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी है। राइट आंसर इज टू, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 92, इस समय कंप्यूटर डिज़ाइन क्रियाकलाप के प्रत्येक पहलू का निष्पादन करता है, किंतु डिज़ाइनरों का सदैव इस पर नियंत्रण होना चाहिए। इसका तर्क है, क्योंकि इस चीज़ को डिज़ाइनर करता है और जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, वह है सोचना। राइट आंसर इज फोर, ए और आर दोनों सही है। अमूर्त कला बाह्य जगत के निरूपण के अस्वीकरोक्ति को निर्दिष्ट करता है। अमूर्त कला सौंदर्य परक मनोभावों को उत्पन्न करने में सक्षम विशुद्ध आकारों और रंगों की व्यवस्था के रूप में चित्रकला और मूर्तिकला की परिकल्पना करता है। राइट आंसर इज फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 94, ग्रीक काल से ही कलाएं अनुकरणात्मक और उत्पादक में विभक्त थी। दोनों के लिए कौशल की आवश्यकता होती है, किंतु अनुकरण की प्रवृत्ति सुख के लिए प्रकृति की नकल करने की होती है, जबकि उत्पादक का आशय उपयोगिता की ओर होता है। तो राइट आंसर इसका टू हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। बुद्ध ने स्वयं कभी भी अलौकिक दावे नहीं किए। उन्होंने सचमुच शाश्वत आत्मा के विचार को अस्वीकार कर दिया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों सही है, एक, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 96, घनवाद एक आंदोलन है जो जानबूझ
कर स्थान बदलने तथा परिप्रेक्ष्य के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया। घनवाद आकार और चित्रमय स्थान के जटिल संगठन से निपटने के बौद्धिक निरूपण पर आधारित था। राइट आंसर इज 4 A और R, दोनों सही है। घनवाद एक आंदोलन है और उसको जानबूझकर स्थान बदलने और परिप्रेक्ष्य के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था। और घनवाद आकार और चित्रमय स्थान के लिए जटिल संगठन से निपटने और बौद्धिक निरूपण पर आधारित था। ये चीज़ दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 97। लोग सतीश गुजराल को एक मूर्तिकार के रूप में नहीं सोचते हैं, किंतु उन्होंने अपनी आकृतियों की त्रिआयामी आकारों में संकल्पना की है। वह बंधन मुक्त रहना चाहते थे, जो दो आयामों में संभव नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों वाक्य सही है, अभिकथन भी सही है और आर उसका तर्क भी सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 98। बृहताकार स्मारकीय मूर्ति के मापन के उद्देश्य से मैकेट आवश्यक है। राइट, तर्क इसका लाइफ साइज लाइफ स्टडी के उद्देश्य के लिए मैकेट आवश्यक है। राइट आंसर इज 2। ए सही है किंतु आर गलत है। बृहताकार स्मारकीय मूर्ति के मापन के उद्देश्य से मैकेट आवश्यक है, पर लाइफ साइज और लाइफ स्टडी के उद्देश्य के लिए मैकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 99। ब्रोंज मूर्ति पर पतीना आवश्यक है क्योंकि कालांतर में सतह का रंग बदलता है। सतह पर विशेष रसायन की प्रतिक्रिया ब्रोंज की संरचना पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर इज 2। ए और आर दोनों सही है, अभिकथन और तर्क दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 100। सिरेमिक्स फायरिंग के लिए सामान्यतः डाउन ड्राफ्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चैम्बर में समान तापमान बनाकर रखता है। तर्क इसका डाउन ड्राफ्ट फर्नेस डोगरा कास्टिंग में वैक्स के बर्न आउट में भी आवश्यक है। राइट आंसर इज 4। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का नेट जेरफ विजुअल आर्ट के 2018 का पेपर। तो फ्रेंड्स, मेरे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। मैं दोनों के वीडियो में दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगी और दोनों को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ, एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस भी लाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।